आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अब आगरा के लोग खुलकर चैन की सांस ले सकते हैं। ताजनगरी में 10 महीने बाद ये सुखद स्थिति आई है कि कोरोना वायरस का नया केस शून्य रहा। इससे पहले बुधवार को एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज को बनाया गया कोविड 19 वार्ड खाली हुआ था। नहीं, कोरोना के केस अब काफी कम हो गए हैं। पिछले कल कोरोना टेस्टिंग के काफी केस आए थे, लेकिन कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला। जिस सरकार की आगरा के सारे जो भी हमारे डीएम हैं, जो भी जिला स्तर के जो भी अधिकारी हैं, उनकी प्रयास से कोरोना आगरे में काफ़ी कम हो गया है। वैसे ओवरऑल पूरे इंडिया में कोरोना केस काफ़ी कम हो गए हैं। अब तो कोरोना वैक्सीन भी आ गया। मेरा अनुरोध है सबसे, जब कोरोना वैक्सीन मार्केट में आ जाए तो तुरंत लगवाएं, जिससे सुरक्षा रहेगी आपकी, आपके परिवार की। और तीन चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है, अभी भी कोरोना है थोड़ा बहुत, कि हमेशा मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी करें, और हाथ को सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, जिससे आपके आपके बच्चों की सुरक्षा रहेगी। वैक्सीन, जैसे मोदी सरकार ने वैक्सीन हम डॉक्टरों को, हेल्थ वर्कर को लगवाना चालू कर दिए, इससे फ़ायदा रहेगा काफ़ी हद तक, जिससे हमारे डॉक्टरों से इन्फेक्शन पेशेंट पे नहीं पहुंच पाए, जिससे एक चेन बन जाएगी, जिससे आगे के समय में कोरोना के पेशेंट काफ़ी कम हो जाएंगे। वैसे भारत ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, और भारत के वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। जो कोविशील्ड वैक्सीन भारत का है, जो वो काफ़ी प्रभावी है। अब यहाँ कोई भी मरीज नहीं है। गुरुवार को शून्य केस आना बड़ी उपलब्धि रही। इससे पहले बुधवार को केवल एक केस आया था। अब तक कुल संक्रमित 10,509 हो चुके हैं। मृतक संख्या 172 हो चुकी है। एक्टिव केस 22 रह गए हैं। आगरा में अब तक कुल 10,335 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। 5,11,962 लोगों की जाँच हो चुकी है। बुधवार तक 5,09,718 लोगों के टेस्ट हो चुके थे। ठीक होने की दर 98.15% पर आ चुकी है। हम सभी आगरावासी बधाई के पात्र हैं कि परसों शाम को आगरा के आखिरी केस की एसएनएमसी से विदाई हो गई, और कल की तारीख में कोई भी केस कोविड का नहीं आया। बहुत अच्छी चीज़ है ये, लेकिन जब ऐसा होता है, जब कोई खुशखबरी होती है, तो हम लापरवाही अवश्य करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये वैक्सीनेशन केवल हेल्थ वर्कर्स का हुआ है, अब सब्सिक्वेंट उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन पब्लिक का अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। प्लस हेल्थ वर्कर्स की भी अभी फर्स्ट डोज हुई है, उसके कितने दिन के इफ़ेक्ट्स हैं और सेकेंड डोज के बाद भी कितने दिन बाद इफ़ेक्ट आएगा, ये हम नहीं जानते। और पर जैसा कि भय के साथ एक अजीब चीज़ होती है कि कुछ समय के बाद हम भयमुक्त हो जाते हैं, चाहे वो खतरा टले या ना टले। तो जैसा कि आजकल आप सभी देख रहे हैं, मार्केट्स में, प्रोग्राम्स में, हर जगह इतनी भीड़ है, और लेकिन नियमों का कम पालन हो रहा है, लोग मास्क छोड़ चुके हैं। और तो मेरी आप सबसे विनती है कि अभी एकदम भयभीत ना हो, थोड़ा डरें, मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। कोरोना का 10 महीने बाद गुरुवार को एक भी नया केस सामने नहीं आया है। वहीं कोरोना संक्रमित 3 मरीज ठीक हो गए हैं। अब 22 सक्रिय केस रह गए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,509 है। कोरोना का पहला केस मार्च में आया था। मार्च में कोरोना के 12 केस आए। अप्रैल में कोरोना के केस तेजी से बढ़े थे। सी न्यूज के लिए लक्ष्मी राज की रिपोर्ट।